उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन, अमेरिकन ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म को किया गया दुरुस्त। टनल से मजदूरों को निकालने का काम तेज, 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी, पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी मुख्यमंत्री धामी से की बात, रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रधानमंत्री ने ली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को दिए निर्देश, बोले काम में किसी तरह की कमी ना करें। टनल से मजदूरों को निकालने का काम तेज, एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू का अभ्यास। रजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि, सेना के जवानों ने दी सलामी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को किया नमन, घर भेजे जा रहे शहीदों के पार्थिव देह, 5 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर में हवलदार अब्दुल मजीद को दी गई अंतिम सलामी, मुठभेड़ में अब्दुल मजीद ने दिया था सर्वोच्च बलिदान। शहीद शुभम गुप्ता के घर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, 50 लाख के चेक की पेशकश पर भड़की शहीद की मां। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से बोली शहीद शुभम गुप्ता की मां, प्रदर्शनी मत लगाइए, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। बैंकॉक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 को किया संबोधित, कहा विश्व एक परिवार, सभी को आर्य बनाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले साधनों पर कब्जे के लिए लड़ रहे लोग, एक दूसरे पर हावी होने की हो रही है कोशिश। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हनुमान गढ़ी मंदिर में किए दर्शन। अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गर्म भोजन योजना की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को खुद खिलाया खाना, बच्चों को खिलौने भी दिए। राहुल गांधी को नोटिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, बोले नोटिस का जवाब दिया जाएगा, गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर भी खड़े किए सवाल। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा राहुल गांधी बेहद गैर जिम्मेदार, राहुल के बयान की निंदा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सरकार की वापसी का किया दावा, बोले राज्य में कांग्रेस की लहर। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर, नोएडा की जेल से वसूली के मामले में कार्रवाई, नोएडा के डीएम ने दिए जांच के आदेश। जेल से वसूली मामले में नोएडा के डीएम का बयान, कहा जांच में मिले सबूतों पर होगी कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कड़ी की गई सुरक्षा, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर, जांच जारी। प्रदूषण से आज भी दिल्ली को कोई राहत नहीं, हवा हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। मुंबई में सुबह से दिखी धुंध की परत, कई इलाकों में हवा हुई जहरीली। उत्तर प्रदेश के बलिया में रेलिंग से टकराई बेकाबू कार, हवा में लटकता रहा कार का आधा हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के विकास नगर में बैरियर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, कार में सवार थे 9 लोग, सभी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बालू खनन में इस्तेमाल नाव को पुलिस ने किया नष्ट। बिहार के समस्तीपुर में चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान, बारात लेकर जा रही थी बस। झारखंड में बर्खास्तगी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर चौकीदार, करीब 17,000 चौकीदारों को राज्य सरकार ने किया था बर्खास्त। अंबाला में वायुसेना की प्लैटिनम जुबली का जश्न, एयर शो में सूर्य किरण और आकाश गंगा टीम ने आसमान में दिखाए शानदार करतब। कतर में कैद 8 भारतीयों की रिहाई की बड़ी उम्मीद, सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका स्वीकार, 30 नवंबर को अगली सुनवाई। इसराइल हमास के बीच हुआ समझौता, इसराइल हमास के बीच 4 से 4 दिनों का संघर्ष विराम। हमास आज इसराइल के 13 बंधकों को करेगा रिहा, 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा इसराइल। युद्ध विराम को लेकर आईडीएफ ने दी सफाई, युद्ध विराम तो होगा लेकिन गाजा से सैनिकों की वापसी नहीं होगी। युद्ध विराम के बाद राफा क्रॉसिंग से गाजा पहुंचाई जाएगी मानवीय सहायता, बॉर्डर पर दिखी ट्रकों की लंबी कतार। चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक बढ़े न्यूमोनिया के मामले, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। चीन में नई बीमारी पर भारत सरकार अलर्ट, किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी।
जासूसी सैटेलाइट लॉन्चिंग का उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मनाया जश्न, अपनी बेटी के साथ इवेंट में नजर आए किम। फ्रांस में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घरों के बाहर पानी का जमाव। ब्राजील में भारी बारिश के बाद तबाही, कई घर हुए जमींदोज, लोग कैंप में रहने के लिए मजबूर।